आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ना. यस एक्सरसाइज 12B. यस प्रखर, हमने 12B तो स्टार्ट करना है, बट आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स ना, बिकॉज हमको याद है हमने काउ ग्रेज का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था. ठीक है, 7. ओके 7, चलो ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 56 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 48 days? A very simple question. यहाँ पे क्या है आपका quantities, दो quantities कौन कौन सी हैं? One is your, that is number of machines. ठीक है ना? और आपका क्या है? और number of days. तो पहला क्या था, दैट इज 42 मशीन्स दे विल प्रोड्यूसेस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस दीज आर्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ओनली 48 डेज. सो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ डेज लेस करने, यानी आप जल्दी काम को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको मशीनरी ज्यादा लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली. तो अब देख रहे हैं आपने क्या किया, नंबर ऑफ डेज कम किए तो आपको मशीन ज्यादा लगानी पड़ेगी. इसका मतलब क्या है, इट इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन. यानी आप क्या कहेंगे, इनवर्स वेरिएशन हो गया. हमने ले लिया लेट एक्स. सो सिंस अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज ये आपका इंक्रीज कर जाएगा. इज दैट नंबर ऑफ मशीन्स क्या है, इंक्रीज करेगी. इसका मतलब आपका क्या है कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया. इनवर्स वेरिएशन के लिए हमने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है. तो x = 42 * 56 / 48. ओके सो 6 7 जा एंड 6 8 जा 8 7 जा. सो x = 7 into 7, 7 7 जा 49. So we needed 49 machines just to finish the same work in 48 days. Is that clear? समझ में आया सभी को? Is that clear? Yes, no, yes, no, yes, no. ऑडियो वीडियो तो सबको क्लियर आ रहा है ना? अभी आंसर सिर्फ दो ही लोग दे रहे हैं, प्रखर. यस चलिए ठीक है, आया आप. ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. ये हमारे बच्चा लोग क्या मैसेज कर रहे हैं देखिए. ओके प्लीज शिवानी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर देना. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, 7 taps of the same size fill a tank in 1 hour 36 minutes. Now, here, 2 quantities are. यहाँ पे हमारी दो quantities क्या है? Number of taps. And that is the time in hours. Is that clear? अब हमारी दो quantities यहाँ पे क्या हो गई? अच्छा, आपकी बुक में 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 36 minutes दिया हुआ है. अच्छा, आपका आंसर आया क्या? चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है. सो 7 टैप्स दे नीड 1 आवर 36 मिनट्स. तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 36 अपॉन 60. सो कितना हो जाएगा आपका, 6 6 जा 36, 6 10 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. सो
So we can write one whole, कर सकते हैं इसको one whole 3/5 और reserve 5/5 + 3 8/5 hours. Is that clear? Okay. Now the next one. How long will it take? Will 8 taps of the same size take to fill? Up 8 taps is not going to be work. Yes. Anyone wants to say something? Okay. 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 Now 8 taps are there, so let they take. Obviously, if the number of taps are more, then it takes a less time to fill the same tank. So, यानी आपने क्या किया? आपने इसको increase किया. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप number of taps को increase कर रहे हैं. आप देखेंगे कि automatic हो जाएगा. Time will be less. Time को जाएगा decrease होगा. यानी inverse variation. हमको क्या दिख रहा है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जो values हमें known हैं, उनको multiply कर देते हैं और x की value calculate कर लेते हैं. So 7 × 8/5 / 8. Is that clear? So 7 × 8. अब इसको reciprocal करेंगे, क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा. 8 cancel हो जाएगा. Answer is your 7/5. 7/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 = 2/5. Or we can write 1 hour + 2/5 × 60. So 5 × 12 = 24. So we can write 1 hour 24 minutes. Is that clear? So this is the way how we are going to calculate the time. Okay, ऐसा करने से आपका गड़बड़ नहीं होगा कभी. तो हमें क्या करना है? 7/5 आएगा जो भी, उसको क्या लिखेंगे? 1 whole 2/5. अब हम क्या करेंगे? 1 whole 1 क्या बन जाएगा आपका? 1 hour हो जाएगा. 2/5 को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 60 कर देंगे. यहाँ डिवाइड 60 कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 60 कर देंगे. मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आपका 5 × 12 क्या हो जाएगा? 12 × 2 = 24. आपका जाएगा 1 hour 24 minutes. Is that clear? Any problem? किसी को? किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है क्वेश्चन को लेकर? Anyone, please, you can speak. Yes. Yes. So what is the difference between, क्या पूछा था? अरे भाई, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है, आप दुकान पे जाएंगे, दुकान वाला बोलेगा हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं. 10% का मतलब होता है 10 rupees 100 rupees पे. यानी अगर आपने 100 rupees की परचेसिंग की तो आपको 10 rupees मिलेगा. आपने 200 rupees की परचेसिंग की तो 10-10 के दो नोट मिलेंगे, यानी 20 rupees मिलेगा. आपने 300 rupees की परचेसिंग की तो 10-10 के तीन नोट मिलेंगे. तो आपको टोटल कितना मिल गया? 30 rupees. सो 30 rupees इज योर डिस्काउंट एंड 10% इज द डिस्काउंट परसेंट. यानी आप 30 rupees मिलेगा, 300 की परचेसिंग में आपको 30 rupees मिलेगा. तो 30 rupees डिस्काउंट हो गया, लेकिन डिस्काउंट परसेंट अभी भी कितना है? दैट इज 10% ओनली. 10% डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है हाउ मच डिस्काउंट यू आर गोइंग टू गेट ऑन एवरी 100 rupees. इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे क्रिश यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है, जाके सो जाओ. जाओ चलो आगे बताओ. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसका क्वेश्चन था ये? डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट. अरे क्वेश्चन किसी ने पूछा था, डिस्काउंट क्या है सर, डिस्काउंट परसेंट क्या है? संतोष है ना? संतोष, नाउ इट इज क्लियर? संतोष बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर रखना है ना. डाउट होता है आप 10 बार पूछो, लेकिन माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए.
अभी आप दुकान पे जाके ना, अगर आपको सपोज करिए मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, ठीक है ना, तो भी आप वहां पे जाके डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अंकल ने बोला कि बेटा आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको ये पता चल गया कि अंकल हमें 100 रुपीज पे 5 रुपीज देंगे। अब सपोज करिए आपने 750 की शर्ट खरीदी, तो 700 पे, यानी 700 में कितने 100 हुए, 7, तो 75 से 35, यानी 35 रुपीज, तो यही हो गया सीधा सीधा डिस्काउंट, प्लस 50 रुपीज और बचा। अब जब 100 रुपीज पे आपको 5 रुपीज मिल रहा है, तो 50 रुपीज में कितना मिलेगा, उसका आधा यानी 2.5 रुपए, यानी 35 में और 2.5 रुपए जोड़ दिया, यानी 37 रुपीज 50 पैसा मिल गया डिस्काउंट। यानी कैलकुलेशन आया तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन कब कैलकुलेट कर सकते, जब आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना कि डिस्काउंट परसेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल पूछिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। इस बार हम क्या, हमारा क्या जाएगा, टाइम किसमें रख देंगे, आर की जगह मिनट में रख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टैब्स टैब्स विल बी द सेम है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 टैब्स ऑफ द सेम साइज, चलिए 8 टैब्स कर देते हैं। यहां पे टैब्स हमने कितने कर दिए, 8 कर दिए, क्वेश्चन नंबर को 9 कर दिया, चलिए ठीक है। टाइम को हमने यहां पे क्या कर दिया, दैट इज टाइम हमने कर दिया यहां पे 27 मिनट्स 27 मिनट्स 24 मिनट्स 27 मिनट्स। इफ टू टैब्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी दो टैब ने काम करने बंद कर दिए, दो टैब ने काम करने बंद कर दिए, नाउ हाउ मेनी टैब्स आर वर्किंग, 6, यानी यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टैब्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो नंबर ऑफ टैब्स डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली टैंक को क्या है, टैंक को फिल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी टाइम आपको क्या जाएगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब टाइम इंक्रीज करेगा मतलब आपका इन्वर्स भी इनिशियल हो गया, कितना टाइम है कैलकुलेट करने के लिए, जो चीज हमें पता है उसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, अननोन क्वांटिटी रहने देंगे हमें। तो चलिए यहाँ सारा चेंज हो जाएगा, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x equals 8 into 27 upon 6, चलिए यहाँ पे कट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8, x equals 9 4 जा 36, यानी how many minutes, that is 36 minutes, is that clear, easy था, easy लगा ना सभी को। इससे इजी और शॉर्टकट वे डायरेक्ट और इनवर्स पढ़ने का नहीं है, ठीक है ना। चलो इसीलिए हमने बुक के मेथड से आप लोगों को नहीं पढ़ाया, बॉक्स बनाने के बाद रेशियो प्रोडक्ट वो सब हमने इक्वल नहीं कराया, ठीक है। हमने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक डायग्राम में बताया, स्टूडेंट आपको याद रहे। किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है, टेल अगेन, आर्यन का कहना फिर से बता दिए, आर्यन बिल्कुल फिर से बताएंगे। बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास 8 टैब्स थे, 8 टैब्स को एक टैंक को फिल करने में 27 मिनट्स लग रहा था, ठीक है, ठीक है। यानी अगर हमने 8 टैब एक साथ ओपन कर दिए, इट टेक्स 27 मिनट्स टू फिल इट, ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ, हमने देखा कि दो टैब हमारे जो है वो बंद हो गए, काम करना ही बंद कर दिया। अब जब हमारे दो टैंक से काम करने बंद करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब टैंक को भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टैंक्स कम हो गया तो टाइम आपको बढ़ने वाला है, यानी इनवर्स वेरिएशन हो गया। अब इनवर्स वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स वेरिएशन हमने यहाँ पे एक्स दे दिया, अब जिस लाइन पे आपका अननोन क्वांटिटी उसको छोड़ के रुका हुआ लाइन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बच गया इधर उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया, बट कैसे किया ये भी बता देते हैं। हमने इसको पहले 3 की जगह से कट दिया, 3 2 6 3 9 जा 27, 2 की जगह से कट दिया, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, ओके। नाउ सी अ क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन ये है। A farmer has enough food to feed 28 animals in his cattle for 9 days. ठीक है ना? यानी यहाँ पे क्या है? Number of animals. अब हम लोग भी animals ही हैं, ठीक है? और क्या है हमारे पास? Number of days. अब कह रहे हैं कि 28 कैटल्स
they can feed for 9 days. 28 cattle जो है 9 days में चलते हैं. अब इसी पे छोटी सी एक स्टोरी, ध्यान से सुनिए. स्टोरी स्टोरी नहीं है, क्वेश्चन का सोल्यूशन है. स्टोरी ये है कि सपोज करिए, इधर बैठा ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखा रहे, ठीक है. सपोज करिए कि क्रिस के पापा ने जो है उसको 30 चॉकलेट्स का एक पैकेट ला के दे दिया. क्रिस बहुत चॉकलेट खाता है, तो 30 चॉकलेट्स का ला के दिया और उसको बोला है कि पर डे तुमको एक चॉकलेट खाना है. अब अगर क्रिस जो है पर डे एक चॉकलेट खाता है, ठीक है, वो चॉकलेट कितने दिन चलेगा, कितने दिन में कंज्यूम करेगा? नाउ क्रिस टेक्स, यस, वेरी गुड, क्रिस टेक्स 30 डेज टू फिनिश दैट चॉकलेट. यानी क्रिस उतने चॉकलेट को 30 डेज में फिनिश करेगा. इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया सभी? अब सपोज करिए, अब सपोज करिए कि क्रिस के घर में क्रिस का कजिन भी आ, अब क्रिस का कजिन आ गया तो क्रिस अकेले तो चॉकलेट खाएगा ही नहीं, कजिन को भी खिलाएगा. अब क्रिस के घर में जब कजिन आ गया तो कजिन एक चॉकलेट खाएगा, क्रिस एक चॉकलेट खाएगा. अब बताइए कि चॉकलेट कितने डेज में फिनिश, इसलिए 15 डेज आएंगे. यानी इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, सबने नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज कर दिया, आपने देखा टाइम क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया. सेम क्वेश्चन वी आर हैविंग हियर आल्सो, ठीक है ना. एक फार्मर है जिसके पास इनफ फूड आइटम है, लेकिन कितना इनफ है? It is enough only for 9 days because now the farmer is having 28 cattle. उसके पास 28 cattle हैं. अगर वो 28 cattle को वो food खिलाता है, तो वो food कितने दिन के लिए है? That is only for 9 days only. 9 days में consume हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होगा? अब question कह रहा है कि अगर, ठीक है ना? अगर आपका जो है यहाँ पे 8 और एनिमल्स को ऐड कर दिए जाए, है ना, 8 और एनिमल्स को ऐड कर दिए जाए, तो नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं? 28 + 8, सो 28 + 8, हाउ मच इट इज, दैट इज 36. तो ऑब्वियसली अगर आपने नंबर ऑफ क्या किया, नंबर ऑफ एनिमल्स को इंक्रीज किया 28 से 36 तक किया, तो जब नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? ऑब्वियसली डेज नहीं, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा. आपने खुद ही बताया कि 30 की जगह क्या हो जाएगा, 15 डेज में चॉकलेट फिनिश हो जाएंगे. सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ, यानी सपोज सो ही इंक्रीज था, इस के लिए कजन आ गया, अब इंक्रीज के कजन आ गए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज तो लेस हो जाएंगे ना, डिक्रीज कर जाएगा. ओके, सो ये डिक्रीज करेगा. अब डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है ना. अब अगर ये इनवर्स वेरिएशन है, चलिए इनवर्स वेरिएशन कौन सा, क्या बोला, अननोन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सब कुछ स्टेट को डिफाइन कर दीजिए. एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 28 × 9, और यहाँ क्या जाएगा, 36, 9 × 4 = 36, 4 × 7 = 28, तो x इज इक्वल कितना आ गया, 7 days. यानी कि फार्मर का फूड जो है वो 7 डेज में ही फिनिश हो जाएगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? ठीक है, किसी किसी को समझ में नहीं आया ना, चलिए एक बार और बता. ठीक है, यहाँ भी एक बार फिर से देख लीजिए कि फार्मर के पास एक कुछ ही, मतलब आपको जानते कैटल्स क्या खाते हैं, चॉकलेट तो खाते नहीं है. फार्मर के पास एनिमल्स को खाने वाला चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो चॉकलेट इतना ही है कि उसको 28 एनिमल्स मिलकर 9 डेज में फिनिश कर सकते, ठीक है. लेकिन सपोज करिए कि फार्मर के घर में उनके पड़ोस वालों के जो है एनिमल्स और आ गए, आ गए 8 एनिमल्स और आ गए, 8 एनिमल्स और आ गए, नहीं, अब टोटल एनिमल्स कितने हो गए, 36. जो भोजन था वो केवल 9 डेज कब चलता, जब 28 कैटल्स खाते. अब आपके देख रहे हैं नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ गए तो आपको क्या होगा, भोजन तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे आपने देखा चॉकलेट जल्दी खत्म हो गई, ठीक है. तो कैसे, अब आप ये इनवर्स रिलेशन, यानी जल्दी खत्म होगा तो इनवर्स रिलेशन हो गया. अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इसको सामने सामने बैठ के 28 × 9 और फिर डिवाइड कर देंगे, इससे 36 आंसर आ गया आपका 7. इज दैट क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इट इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन और इट इज ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमें बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अननोन क्वांटिटी को छोड़कर क्रॉस करना है, और अगर ये है तो स्टेट करना. इज दैट क्लियर? बस ये आपका रहता है. चलिए आइए नेक्स्ट.
अब देखिए ये अब सारे क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए आप देखिए, कौन सी क्लास है ये? 8th क्लास। मजेदार बच्चे हैं ना? हाँ, हमारे बच्चे तो हमेशा मजेदार रहते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैरिसन ऑफ 900 मैन हैड प्रोविजन फॉर 42 डेज, हाउएवर अ रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्ड, फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझा जाए। अ गैरिसन दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स आर देयर, जैसे एक यूनिट होती है, अब यूनिट में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, तो उस यूनिट के पास खाने का आइटम है, जैसे आर्मी की बटालियन होती है, बटालियन के पास अपना खाने पीने का आइटम भी रहता है, लेकिन उनके पास कितना आइटम है कि 900 मेंस के लिए, उनके पास 900 आदमी है टोटल, ठीक है, तो 900 पीपल्स के लिए जो खाना है उनके पास, लेकिन कितने दिन के लिए? 42 डेज के लिए। ओके, सो नाउ दे हैव अ फूड फॉर 900 पर्सन फॉर 42 डेज। अब एक किसी कारण से हमें एक एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ी और एक एनफोर्समेंट, यानी हमें एक बाहर से सपोर्ट आया और कुछ आदमी और ऐड कर दिए गए। कितने ऐड कर दिए गए? 500। कितने ऐड कर दिए गए? 500 एनफोर्समेंट आया हमारे पास। टोटल कितना हो गया आपके पास? 1400 पीपल। अब इसलिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खाना अब 42 डेज की जगह जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई जो 900 पीपल जो 42 डेज में खा सकते थे, 1400 पीपल उसे जल्दी खत्म कर देंगे। कितना जल्दी खत्म कर देंगे? दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ऑब्वियसली उल्टा हो गया, उल्टे एरो दिखा रहे हैं, मतलब आपका क्या इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन है, क्रॉस कर देते हैं ऐसे स्ट्रेट किया, 900 इनटू 14 अपॉन 1400, 14 वन जा 14, थ्री जा 42, ठीक है, दो जीरो और कट गए, 9 3 27, सो फूड लास्ट एट 27 डेज ओनली, ठीक है ना, 27 डेज में भोजन खत्म हो जाए। इज दैट क्लियर? सब लोग थक गए क्या? बहुत जल्दी चलिए 5 मिनट्स और पढ़ के फिर चलें, चलिए टेंशन मत, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करो। साइड, ओके, बिल्कुल साइड पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ हॉस्टल 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 28 डेज, ठीक है ना, अब अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी देयर, नंबर ऑफ डेज, क्वेश्चन नंबर 12, सो 75 स्टूडेंट्स दे कैन शेयर दैट फूड फॉर 24 डेज, 24 डेज में सब फिनिश कर, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इफ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल, अब मान लीजिए
15 बच्चे जो छोड़कर चले गए, खाना नहीं खाया। सो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 75 माइनस दैट इज 60 आर ओनली देयर। अब यहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे, जब बच्चे कम हो गए तो खाना ज्यादा देर तक चलेगा, यानी आपको क्या लगेगा ये इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस, कितने दिन ज्यादा चलेगा, लेट्स सी। सो अगेन इनवर्स वेरिएशन है, सामने मल्टीप्लाई किया, x = 75 * 24 डिवाइडेड बाय 16, 12 * 24, 12 5 * 16, 5 से सुपर किया 15 5 * 75, 15 * 30 यानी 30 डेज, यानी जो खाना जो है 24 डेज में फिनिश हो सकता था वो खाना अब 30 डेज कंज्यूम होगा अगर 15 स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर चले गए। क्लियर? गुड, चलिए प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 13, अ स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे, हमारे यहाँ पे 80 है पर मान लीजिए इनके स्कूल में 9 पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स day of which each 40 minutes duration, time duration in minutes, that is 40 minutes day 9 periods. Clear? How long would each period be if the school has 8 periods? बाद में इनको पता चला कि हम सेमेस्टर ग्लोबल की कॉपी कर सकते हैं, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, 8 periods कर, ऑब्वियसली 8 पीरियड्स कर दिए तो जो टाइम पीरियड 40 मिनट्स का तो वो बढ़ जाए, यानी ज्यादा टाइम आपके टीचर्स आपके पास कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना लगेगा, तो हमने कहा क्या है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज किए तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीजेस, यानी आपको इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया, तो x इक्वल टू कितना आना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 * 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 = 40, 9 5 = 45, so x = 45, यानी एक पीरियड कितने का हो जाएगा, 45 डेज का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए दो क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी खत्म कर देते हैं। इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन दूसरे टाइप से, अब क्वेश्चन दूसरे टाइप से रहेगा, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, कह रहा है कि अगर एक्स वाई दोनों इनवर्सली वेरी करते हैं, जब इनवर्स वेरी करते हैं एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, x into y is equal to constant, ये होना चाहिए। सो कह रहा है कि x is equal to 15 then y is equal to 6, यानी हम इसको ऐसे भी सकते, x y are दो पॉइंट, x 15 था तो y कितना था 6, find y when x is equal to 9, जब x 9 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, अब हमें ये पता नहीं, दैट इज अननोन टू अस, ये अननोन क्वांटिटी होगी, हमें कहते हैं a, अब इनवर्स वेरिएशन है तो हमारा लॉजिक क्या है, मल्टीप्लाई दिस वन, सो a इज इक्वल्स टू 15 * 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 5 = 15, a इज इक्वल्स टू 5 * 10, दैट इज same we are having the 15th question also,
ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा 15 भी है, आई होप अब 15 को भी आप कर लेंगे, ठीक है आ जाएगा ना 15। ओके योर चैप्टर इज ओवर, अब हम चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, अब चैप्टर यहां से फिनिश हो गया, नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, हमें क्या करना है